लुधियाना के दुगरी रोड पर करतार चौक पर एक भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये एक्सीडेंट दो कारों के बीच में हुआ। हैरानीजनक बात ये देखने को मिली कि इन दोनों कारों के एक्सीडेंट में वहीं पास से गुजर रहे तीन मजदूर लोग इस हादसे की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनको हॉस्पिटल में ले जाते हुए दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और एक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। जानकारी के अनुसार एक कार में तीन लोग सवार थे, जिसमें से एक लड़की की आज शादी भी होने वाली थी, जिसका नाम मल्लिका वालिया बताया जा रहा है। हमारे पास पहले ही दो लड़कियां आई हैं, ठीक है, तकरीबन 7:30 बजे। उसके बाद दो पेशेंट और आए, दो मेल पेशेंट थे। एक जो पेशेंट था यंग पेशेंट था, वो ब्रॉड डेड था। उसके आते हमने सारे वाइटल्स वगैरह चेक किए, ECG निकाली, और स्ट्रेट लाइन थी, प्यूपल्स वगैरह डायलेट थे, तो वो हमने उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। दूसरा पेशेंट जो कहने का मतलब जो जिस बंदे की डेथ हुई है वो मौके पे डेथ हो चुका है, मौके पे डेथ हो चुकी थी उनकी। हाँ जी। एंड आगे दूसरा पेशेंट जो आया था उनका लेग फ्रैक्चर था, कॉन्शियस था पेशेंट, मूव कर रहा था सारा, अपना नाम वगैरह बता रहा था, बट अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल लग रहा था, स्मेल्ट अल्कोहलिक, नॉट श्योर बट स्मेल्ट अल्कोहलिक लग रहा था। तो उसकी टांग का फ्रैक्चर था। उनके रिलेटिव से जो साथ में कंपनेट थे उनसे बात की गई कि आपने क्या करना है भाई, क्योंकि वो डेली वेजर लग रहे थे हमें, उनसे बात की, उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि हम खर्चा कर नहीं सकते प्राइवेट हॉस्पिटल का, बेसिकली मजदूर है। हाँ जी, वो कह रहे हैं हम 15 दिन ही हुए यहाँ आके काम कर रहे हैं, बाकी हमारा मालिक है जो आके देखेगा। तो क्या करें, क्या हो, कैसे मर गया? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे हुआ है? करताल चौक पे। कितने बजे की बात है? 7 बजे का लगभग। यहाँ पे और कोई आपका रिश्तेदार वगैरह एडमिट है? नहीं, एक बंदा आपका था। हाँ, बंदा थे, हाँ तीन है, चार बंदे रहते थे कमरे में। हाँ हाँ। तीन तो घायल से पूरे हैं, एक सिर्फ हम आगे बढ़ गए थे, हम सिर्फ पहुंचे। अच्छा, आप भी मौके पे थे? हाँ। कैसे, क्या हुआ, क्या था? उधर से आ रहे थे हम लोग, काम पे जा रहे थे। अच्छा। हम पैदल आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, आपस में दो गाड़ी, उधर से आपस में दो गाड़ी टकराया क्या, अचानक ये लोग को बीच में आ गए, बीच में आ गए, वो भी रोड पे नहीं, साइड से लेके गड्डी आई है इधर पास सामने, तो दूजे पास गड्डी आके उसने हिट की, वो गड्डी जी बेस्ट की थी, वो पलट गई गड्डी से आगे। इसमें ये कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोगों की डेथ हुई अब तक? नहीं, डेथ के बारे क्लियर नहीं है, इंजर्ड हुए हैं उनके बारे में अस्पताल में जाकर पता करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि एक्सीडेंट होने के कितने बाद पुलिस पहुंची यहाँ पे, कब आप लोग पहुंचे? जब हमको पता चला 5-4 मिनट में, जब पता तुरंत पुलिस पहुंच गई जहाँ पे। ये जो इंजर्ड हुए थे पुलिस वालों ने हॉस्पिटल पहुंचाया या कि यहाँ के लोग? नहीं, दो आदमी यहाँ पुलिस वाले ने पकड़ाए, बैठी दो जिनके साथ काम थी वो उनको पब्लिक वाले ले चले थे। ये सर कौन से हॉस्पिटल में एडमिट, किस में एडमिट करवाया गया? मैनू 7:30 बजे करीब फोन आया जी किसी बंदे का कि साढ़े करतार चौंक के डुगरी दे विच फेस बंदे विच एक्सीडेंट हो गया वा। मैं उत्थे पहुंचया, मेरे नाल रिंकू ओलक, मेरे 2-3 होर भरा पहुंचे, असी देखिया कि दो गड्डिया आपस वजी सी, गड्डिया वाले अपने पैसेंट जिहड़े लेके चले गए उत्थे बंदे, पर जिहड़े राह जांदे राहगीर सीगे तीन उत्थे जख्मी हालत च तड़पदे सी, उन्हां नूं कोई नहीं हाथ ला रहा सीगा। साडी टीम उत्थे पहुंची, असीं उन्हूं चक के पंचम होस्पिटल लेके आए हैं। उस तो बाद एक अद्धा पौन घंटे बाद असीं पंचम च आए हैं। जड़े अमीर बंदे सी उन्हां दे इलाज अंदर हो रहे सी एमरजेंसी दे विच, जड़े बाहर गरीब पए सीगे एक उन्हां च डेड हो चुक्या सी, दूजे दे सांह चलदे पए सी, असीं रोला पाया ते उन्हूं अंदर ले लिया एमरजेंसी दे, ते हुण असीं पैसे साडे कोल है नहीं गए क्योंकि गरीब बंदे दा कोई कसूर तां है नहीं, हुण उह कहिंदे पंचर सानूं पैसे दो पहलां तां उहदा इलाज होवे नहीं तां नहीं होऊगा। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।